हेलो एवरीवन, आई एम हनु सर। बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे अपने कई थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और कुछ अच्छी चीजें भी अपन और सीखेंगे। इसलिए आप जरूर रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठें। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को कॉपी करें और एक बार खुद से उसका आंसर सोचें। जितना आप खुद सोचोगे उतना आपका आईक्यू लेवल, आपकी नॉलेज अपने आप रिवाइज होगी, चीजें और इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखें और चेक करें कि आपने सही सोचा या गलत। ठीक है, तो फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 12। द वी आई ग्राफ फॉर टू रेजिस्टर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेडियाई विथ लेंथ L1 एंड L2। देखो इन्होंने क्या बोला, दो रेजिस्टर्स हैं, मान लो 1 और 2, दोनों का मटेरियल सेम है, यानी कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों का रेडियाई भी सेम है। तो यार अगर रेडियस सेम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एरिया भी सेम है, क्योंकि रेडियस से ही एरिया निकाला जाता है, दोनों का एरिया भी सेम है। लेकिन जब हमने बात करी लेंथ की, तो पहले वाले की लेंथ दूसरे वाली लेंथ से ज्यादा बड़ी निकली। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R2। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर यहां तक? तो इजी है, थ्योरी कंसेप्ट है। इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स वोल्टेज करंट फॉर L1। अब जो आपका L1 है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट होना चाहिए कम, यानी कि L1 को रिप्रेजेंट करने वाला वो ग्राफ होगा जो करंट के एक्सिस से दूर होगा। कौन है? बी। तो आंसर है बी। बी रिप्रेजेंट्स L1। बी इज फॉर L1। L1 वायर के लिए जो ग्राफ है वो है बी। ठीक है, आ गया समझ में? चेक कर लो, लास्ट में देख लो। हेंस ग्राफ बी करस्पॉन्ड्स टू लेंथ L1। जो चीज मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूं वो आंसर में बस पैराग्राफ की फॉर्म में है, बाकी सब कुछ सेम है। आपको जैसा इजी लगे आप वैसे उसको क्लियर करो, चाहे पॉइंट वाइज समझो या पैराग्राफ वाइज समझो। ठीक है, बस आपको आंसर को समझना आना चाहिए और उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट, द वी आई ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटालिक रेजिस्टर्स इज शोन। ठीक है, इनमें से कौन है पैरेलल? बहुत कॉमन बात है, रेजिस्टेंस फॉर सीरीज इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल, देयरफॉर करंट फॉर सीरीज इज लेस देन करंट फॉर पैरेलल। तो जो ग्राफ करंट के एक्सेस के पास में होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, करंट का एक्सेस नीचे वाला है, यानी कि ए इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स पैरेलल। ए रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ग्राफ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 13th हो गया ये, ए इज फॉर पैरेलल। 14th, व्हाई इज एन एमीटर लाइकली टू बी बर्नड इफ यू कनेक्ट इट इन पैरेलल? रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम पैरेलल में डालेंगे तो पैरेलल में डालने से उसको अच्छा खासा वोल्टेज मिलेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाता है लो, और जो वोल्टेज है वो सबको क्या मिलता है? इक्वल। इस वजह से जो करंट है वो हो जाएगा हाई। करंट क्या हो जाएगा? हाई। अगर करंट हाई हो गया तो उससे जो हीट है वो भी क्या हो जाएगी? हाई। हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एच यानी कि हीट। तो अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो एमीटर की जो मशीन है वो बेचारी जल जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? इफ एन एमीटर इज इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, मोर करंट विल पास थ्रू इट एंड इट विल बर्न। ठीक है, ज्यादा करंट होगा तो वो जल जाएगा। कारण क्या है यहाँ पे? जलने का कारण है जूल्स लॉ। जलने का एक्चुअल रीजन क्या है? जूल्स लॉ। भाई करंट बढ़ने से हीट क्यों बढ़ी? इसका रीजन है जूल्स लॉ। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सो इफ करंट विल इंक्रीज देन हीट विल ऑल्सो इंक्रीज। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट, कौन सा सर्किट बिल्कुल सही से बना हुआ है ये मुझे पहचानना है। ठीक है,
कौन सा सर्किट, वन और टू में कौन सही है, थ्री और फोर में कौन सही है। देखो एम मीटर है सीरीज में, वोल्ट मीटर भी है सीरीज में, ये गलत है। वोल्ट मीटर है पैरेलल में, एम मीटर है सीरीज में, ये सही है। एम मीटर है पैरेलल में, वोल्ट मीटर है सीरीज में, तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। वोल्ट मीटर पैरेलल और एम मीटर सीरीज, ये भी सही है। तो ग्राफ नंबर टू, ग्राफ नंबर फोर, ये सही बने हुए, ठीक है। चेक कर लें एक बार और अपन, बाकी सब कुछ इनमें सेम है। एक बार आराम से पेशेंस से चेक कर लो, कहीं टू और फोर में भी कोई एक गलत हो। देखो फोर में भी एक गलती आ गई, क्या गलती आ गई, प्लस माइनस की गलती। पॉजिटिव टर्मिनल से गया और यहां पे पॉजिटिव नहीं है, यहां नेगेटिव आ गया, ये यहां मिस्टेक है। किस चीज की, इस साइन की मिस्टेक है, और ये चीज यहां करेक्ट है। पॉजिटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये बिल्कुल सही ग्राफ है सेकंड वाला, ठीक है। यहां इसमें बस एक छोटी सी गलती आ गई प्लस माइनस की, बाकी इसमें भी सब कुछ सही था और वो पूरी तरीके से सही है। तो आंसर इज ग्राफ नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ वी आई ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब हुआ विच फॉलो, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स का मतलब विच विल फॉलो ओम्स लॉ, इनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो ओम्स लॉ जो ग्राफ बनाएगा वो होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, और ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। और जहां बात आती है किसकी, नॉन ओमिक की, ठीक है। डू नॉट फॉलो, डोंट फॉलो ओम्स लॉ। नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनका जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन बनता है। अब वो कर्व्ड लाइन कैसा भी बन सकता है, वो कर्व्ड लाइन ऐसा भी बन सकता है या फिर वो उल्टा कर्व भी बन सकता है। मतलब कहने की बात यह है कि स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये देख लो, ये कर्व आपका ऐसे भी घूम के जा सकता है। इट इज नॉट श्योर कि वो ऐसे ही कर्व बने, कर्व ऐसे भी बन सकता है, ये भी सही है, ठीक है ना। दो तरीके के कर्व्स पॉसिबल हैं, हम कर्व को ऐसे भी बना सकते हैं, बस स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। ये ओमिक का ग्राफ है, ये नॉन ओमिक का ग्राफ है, ठीक है। फॉर ओमिक, फॉर नॉन ओमिक। नेक्स्ट, अ बल्ब गेट्स डिमर फॉर अ मोमेंट व्हेन अ गीजर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स इज स्विच्ड ऑन। व्हाई? क्योंकि गीजर एक हैवी अप्लायंस है, वो ज्यादा वोल्टेज को ले लेगा, ठीक है। वो ज्यादा वोल्टेज लेगा तो बल्ब का वोल्टेज थोड़ा फॉर अ वाइल कम हो जाएगा, तो इसलिए करंट भी कम हो जाएगा, समझ गए। गीजर जो है एक हैवी अप्लायंस है, तो उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए क्योंकि उसकी मशीन हैवी है, तो वोल्टेज ज्यादा गीजर में चले जाएगा, तो फॉर अ वाइल बल्ब के लिए वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम होने से वो बेचारा थोड़ा डिम हो जाएगा। और ये ज्यादा कब होगा, जब ये सीरीज में होंगे। अगर ये बल्ब और गीजर सीरीज में हुए तो बल्ब और भी ज्यादा डिम पड़ेगा, पैरेलल में तो बहुत कम पड़ेगा, नेग्लिजिबल। लेकिन ज्यादा डिम कब कब अपने को क्लियर दिखेगा कि बल्ब डिम हो गया, जब ये दोनों सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज में सबको इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता, सबसे हैवी अप्लायंस को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिल जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, चेक कर लो। और इसका जो मेन जो इफेक्ट है वो मेनली हैपेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये ज्यादा कब होता है, जब ये दोनों किस में जुड़े होंगे, सीरीज में, क्लियर। नेक्स्ट, आउट ऑफ टू वायर्स पी एंड क्यू विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। देखो दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो लेंथ का पॉइंट तो बेकार हो गया। एरिया की बात करें तो इसका एरिया है ए और उसका एरिया है हाफ, आधा है ना एरिया। तो जहां एरिया ज्यादा होता है वहां रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। तो रेजिस्टेंस पी वाले का कम है और रेजिस्टेंस क्यू वाले का ज्यादा है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लो एक बार, क्यू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस क्योंकि उसका एरिया कम है।
Clear? Resistance is inversely proportional to area. State how resistance of a conductor is affected when a low current passes through it for a short duration. Resistance पे क्या असर आएगा अगर current decrease हो जाएगा तो? तो भाई यहाँ पे ये अपन ने ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखा है. अब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, है ना. इससे सीधी सी बात ये समझ में आई कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन है. तो अगर हमने करंट को क्या कर दिया, कम, ठीक है, करंट को हमने क्या कर दिया, कम, तो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो भाई अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो सीधा सा इंपैक्ट क्या है, इफ करंट विल डिक्रीज देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. ठीक है, करंट कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. क्लियर, लो करंट और यहां पे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. नेक्स्ट, स्टेट हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अफेक्टेड व्हेन हेवी करंट पासेस थ्रू इट फॉर अबाउट 30 seconds. हेवी करंट जो है वो 30 सेकेंड तक गया तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा. करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो सेम ही क्वेश्चन हो गया. अभी अभी देखा था हमने कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. नेक्स्ट है 21. देयर इज एन इंप्रेशन अमंग मेनी पीपल दैट अ पर्सन टचिंग अ हाई पावर लाइन गेट्स स्टक विद द लाइन. इज दिस ट्रू? हाई पावर लाइन को आपने टच करा तो आप उसके चिपक जाओगे, मतलब लो पावर से नहीं चिपकोगे. अगर पावर कम है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, और पावर ज्यादा है तो लगेगा. भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक शॉक दोनों केसेस में लगेगा. जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस, उनकी बॉडी चलाने वाले, ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी चलाने वाले कौन होते हैं? नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है? न्यूरॉन्स का, यानी कि नर्व सेल्स का. ये नर्व सेल्स क्या डेवलप करते हैं अपने लिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपनी बॉडी में अपने आप डेवलप होता है. तो चाहे हमको थोड़ा कम करंट मिले या ज्यादा करंट मिले, हमको इलेक्ट्रिक शॉक तो जरूर लगेगा. चाहे करंट सिर्फ 2 एम्पियर हो, या करंट 20 एम्पियर हो, या करंट 1 एम्पियर हो, हर सिचुएशन में हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. रीजन, क्योंकि ये एम्पियर जब हमारे नर्व सेल्स में जाएंगे तो उसको वो थोड़ा सा डैमेज कर देंगे. अब वो उसको परमानेंट भी डैमेज कर सकते हैं और टेम्पररी भी डैमेज कर सकते हैं. ये सब केपेबल है किस चीज के लिए? हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के लिए. डैमेज आवर नर्वस सिस्टम, इनमें से कोई भी कर सकता है. हाँ, कॉमन बात यह है कि अगर हद से ज्यादा हाई वोल्टेज है तो बहुत ज्यादा डैमेज आएगा. तो ऑब्वियसली डैमेज सबसे आएगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये वाला थोड़ा ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि करंट का अमाउंट बढ़ने से उससे इलेक्ट्रिक शॉक हैवी लगेगा, हैवी इलेक्ट्रिक शॉक, उसके चांसेस भी ज्यादा है. लेकिन जहां बात आएगी डैमेज की, तो डैमेज तो दोनों कर सकते हैं. ठीक है, ये इसका आंसर है. एक बार फटाफट से आप क्या करेंगे, पॉज करके इसको ढंग से कॉपी करेंगे, उसको रीड करेंगे. नेक्स्ट, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट. व्हाई? बिकॉज टैप वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस. ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर में आयंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं. जहां हम बात करें आयंस की, तो टैप वाटर में होते हैं और डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं. तो आयंस नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. आयंस का मतलब, इन शॉर्ट आप ये समझो, एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ठीक है, टैप वाटर का अगर हम रेन वाटर से कंपैरिजन करें तो रेन वाटर और भी ज्यादा बेटर कंडक्टर निकलेगा, क्योंकि उसमें और ज्यादा आयंस होते हैं. जितना ज्यादा आयनिक वाटर होगा उतना बेटर कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, ये इसका आंसर है. इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू लिक्विड बाय आयंस. टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड मिनरल्स इन इट, बट डिस्टिल्ड वाटर व्हिच इज अ कोवेलेंट कंपाउंड हैज नो आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. डिस्टिल्ड वाटर में
आयंस नहीं है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज अपन ने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन बेटर यह है कि क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके खुद से आंसर जरूर सोचो। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।